हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा सोनी फ्रॉम ट्यूलिप ब्यूटी सलोन। आज हम बात कर रहे हैं होली के त्यौहार की। खुशियों का त्यौहार बहुत ही कलरफुल, ब्राइट, ऑफ कोर्स सब लोग वेट कर रहे हैं इसका। पर अभी की परिस्थितियों को देखते हुए हमें पता है कि बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी वो होली खेलेंगे, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो अपने आंगन में हो, या छोटे ग्रुप के साथ हो। पर इसमें कलर्स अब आजकल पहले की तरह ऑर्गेनिक नहीं रह गए हैं, या ज़रूरी नहीं है कि लोग ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे कि हमें इन केमिकल्स के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, या उसके पोस्ट क्योर के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में हम टेक्निकली बात करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, आप जो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, दैट कैन बी इरिटेशन इन योर आईज, पफिनेस एंड रैशेस इन योर स्किन, पैचेस, डिहाइड्रेशन एंड हेयर फॉल होना, हेयर काफ़ी ड्राई होना एंड स्कैल्प ड्राई होना। तो इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट वे में या होम रेमेडीज से कैसे ठीक करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं होली खेलने से पहले कुछ तैयारियाँ जो आप अपने स्किन और हेयर के लिए करना चाहेंगे और आपको बेनिफिटेबल रहेगा जो कलर निकालने के लिए। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेयर, स्किन एंड नेल्स। नेल्स में शुरुआत करूँ तो नेल्स काफ़ी ख़राब दिखने लगते हैं, उसकी ब्यूटी चली जाती है कलर लगने के बाद, और वो आसानी से नहीं निकलता है। तो आप उसमें 1 or 2 कोटिंग ऑफ नेल पेंट लगा सकते हैं, और उसके बाद उसमें वैसलीन का एक कोटिंग कर दें, सो दैट साइड्स जो क्यूटिकल्स लॉक नहीं हो पाते हैं या क्यूटिकल के थ्रू अंदर कलर जाता है वो नहीं जा पाएगा। सेकेंडरी हम आते हैं स्किन पर। आप स्किन को फुली हाइड्रेट करें। आप पहले बात लीजिए, बाद में आप पूरी बॉडी को अच्छे से मॉइस्ट करें, जिसमें आप कोल्ड क्रीम, बॉडी लोशन एंड ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल आप चाहें तो कोई भी लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल, मैनी थिंग्स आर विथ यू। सो आप अप्लाई करें एंड आते हैं हेयर पे। हेयर आप शैम्पू करें, डीप कंडीशनिंग करें एंड देन ऑयलिंग करें, एंड इसके बाद आप उसको टाई करके रखें, सो कलर आपके स्कैल्प पे ज़्यादा डैमेज ना करेगा कलर। अब हम आपको एक डेमो देते हैं। डेमो पे मैंने प्री प्रिपरेशन पहले ही कर रखी है, उसको कैसे बाद में निकालना है ये टेक्निक पे जाते हैं। ओके, सो आई एम विथ माई फ्रेंड प्रिया। सो प्रिया के ऊपर हम पहले प्री प्रिपरेशन करेंगे। आई एम अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, ब्लेंड इट प्रॉपरली, अप्लाई। मॉइस्चर योर एंटायर बॉडी। इसके बाद मैं इन पर लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल। तो एज़ यू कैन सी हमने इन्हें कलर लगा दिया है। विश यू हैप्पी होली। कलर निकालने के लिए सबसे पहले हम प्लेन वाटर का यूज़ करेंगे। जितना भी मैक्सिमम कलर पानी से निकलता है वो निकाला जाएगा। हम कलर निकल चुका है, उसके बावजूद कभी कभी काफ़ी कलर छूट जाता है जो आसानी से नहीं निकलता है, उसके लिए मैं आपको एक पैक बताती हूँ। जैसे आप चने की दाल यानी कि बेसन, उसमें हनी, कर्ड एंड लेमन आप मिक्स करें और उसका पेस्ट बनाकर फेस पर लगाएं। उसको थोड़ी देर रहने दें, ड्राई होने से पहले उसे अच्छे से इमल्सीफाई करेंगे, सो दैट जो बचा हुआ कलर है वो भी उसके थ्रू निकल जाएगा। अगर कुछ पोर्शन और कलर का रह जाता है तो उसको बहुत सॉफ्टली 2 दिन के अंदर निकल जाता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी निकालने की ज़रूरत नहीं है। कलर निकल चुका है,
इसके बाद हम स्किन पर लगाएंगे टोनर। अगर आपके पास टोनर ना हो तो आप रोज़ वाटर लगा सकते हैं। एंड देन मॉइस्चराइज़र, स्किन को अगेन मॉइस्चर करें, हाइड्रेटिंग अच्छे से दें, पानी खूब पिएं सो दैट आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अगर पानी ना पी पाते हो तो उस समय जो भी आपको अवेलेबल रहे, कोकोनट वाटर, फ्रेश जूस, ग्लूकोज कंज्यूम करें। अगर बालों में कलर लग चुका है तो थॉरली पहले प्लेन वाटर से रिंस करें, उसके बाद ही आप शैम्पू करें एंड डीप कंडीशनिंग मास्क करें। उसके बाद मैं आपको कुछ होम रेमेडीज मास्क भी बताऊंगी जो आप स्किन एंड हेयर पे लगा सकते हैं। अभी हम मास्क की बात करेंगे इनकेस, जैसे हेयर मास्क। सबसे पहले अगर बालों में कलर रह जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल होने लगता है, प्री ग्रेइंग होने लगता है, आपका ग्रो प्रोसीजर, हेयर की जो लेंथ बढ़ती है वो स्लो हो जाता है, कभी कभी बालों का टूटना, बीच में से ब्रैकेज होना काफ़ी बढ़ जाता है। तो जिस तरह आपको बताया गया थॉरली क्लीन करने के बाद भी अगर कलर छूटता है तो उसमें आप कई बार आप मास्क भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स दो तीन बार शैम्पू करने के बाद कलर हट जाएगा। मास्क लगाने के लिए अगर किसी भी तरह का हेयर हो तो आप उसमें एग योक लगा सकते हैं, उसमें कोकोनट ऑयल या एलमंड ऑयल लगा के आप 45 मिनट छोड़ दें एंड देन रिंस आउट। कई लोग एग यूज़ नहीं करते हैं तो आप कर्ड लगा सकते हैं उसमें मेथी दाना डाल के, एंड वो आप रूट से लेकर एंड तक लगाइए एंड देन 45 मिनट रखने के बाद उसको वॉश आउट कर लीजिए। अगेन देन शैम्पू कंडीशनर वाला प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। अगर स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, किसी तरह की रेडनेस हो रही है, एक्ने हो रहे हैं, तो अगर एक्ने हो रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल बेस्ड, आप एलोवेरा डायरेक्ट फेस पर लगा सकते हैं या उसको किसी में मिलाकर सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं। और इन केस रेडनेस हो रही है तो आप पपाया या एलोवेरा जेल मिक्स फ्रूट्स का पैक बनाकर लगा सकते हैं जिससे आपकी स्किन काम डाउन होती है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लें, आप उस चीज़ को बढ़ने ना दें। प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। एंड इसी के साथ होली की शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार कहते हैं, धन्यवाद।